हेलो, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, जरूर बताइएगा। आज मैं यहाँ पे पटाखे लेने के लिए मार्केट में आई हूँ। विभू बहुत पटाखे खरीद रहे हैं, मान नहीं रहे। पटाखे ले रहे हो विभू? ये पटाखा है। कितना ज्यादा ले रहे हो? पापा इससे भी ज्यादा दिलाते थे मम्मी, प्लीज। और क्या बाकी है? पापा 10-20 हजार का मंगाता है। आप इसलिए कम ले रहे हैं? रहने देना टकने को, सच में मम्मी यार मैं बढ़िया है। कितने का हुआ? अच्छा, तो है कितना ज्यादा ले लिए, जरा ये देखो। अभी मैं किचन में आ गई हूँ और सुबह सुबह नाश्ते में बनाने चल रही हूँ प्याज के पराठे। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ प्याज के पराठा और नाश्ते में दही पराठा आज होगा। तो आइए बना लेते हैं और रेसिपी भी आप लोगों के साथ में शेयर हो जाएगी। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डलेगा, बस प्याज या तो बारीक बारीक इस तरीके से काट लीजिए या फिर चॉप कर लीजिए। मैं चॉप करने वाली हूँ, मैं अभी मैं दिखा दे रही हूँ। इतना बारीक या तो काट लीजिए या फिर इसको चॉप करिए। तो इसमें प्याज, हरी मिर्च और धनिया पत्ती ये बस मैं चॉप कर लूँगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने चॉप कर दिया और किसी चॉपर से, और धनिया पत्ती को भी मैंने बहुत बारीक उसको काट दिया, चॉप कर लिया। इसको देखो मिला ले रही हूँ। आप चाहो तो इसी में सीधा आटा लगा लो नमक डाल के, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है जो नए हैं। इसी में आटा लगाने से क्या अंदाज़ा हो जाता है पानी, क्योंकि ये पानी छोड़ता है नमक डालने के बाद में। या फिर आप यूँ मिला के रख दीजिए, जब आप लोई बनाइए उसमें इसको भरिए, उसके साथ में उतना ही नमक मिलाते जाइए, इसलिए कि नमक डालते ही ये पानी छोड़ने लग जाएगा। या फिर मैं नमक मिला तो रही हूँ लेकिन बहुत जल्दी जल्दी मुझे बनाना पड़ेगा और हल्का सा फटता भी है, तो कोई दिक्कत नहीं फटे तो, लेकिन थोड़ा फास्ट बनाना पड़ेगा। तुरंत के तुरंत सारी तैयारी मैंने तवा पहले से इसलिए चढ़ा दिया है, आटा लगा रखा है और ये मैंने मिलाया और तुरंत मैं घर के बनाना शुरू कर दूँगी। इस तरीके से आप लोई को बनाइए। किनारे इसके जो बॉर्डर है उसको ज़रूर अंगुली से अंगूठे और फर्स्ट अंगुली से इसको दबा दबा थोड़ा पतला करेंगे, तो उससे क्या जब हम फोल्ड करते हैं तो वो बीच में गांठ जैसी नहीं बनती, मोटी नहीं होती है। इस तरीके से आप दबा के बड़ा भी कर सकते हैं और हल्का सा बेलन चला के, इससे फटेगा नहीं, ये तरीके से फटता नहीं है। हल्का फुल्का तो जाएगा क्योंकि प्याज गीला होने लग जाता है, तुरंत ही पानी छोड़ने लगता है, तो ये तो मैंने पहले बताया थोड़ा फटेगा। इस तरीके से आप जब इसमें भरिए लोई में, उसी समय हल्का हल्का लोई उसमें नमक मिलाते जाइए तो वो नहीं फटेगा, फिर आराम से आप बना पाओगे। या फिर आटे में जैसा बताया मैंने वैसे इस तरीके से बॉडी को मैंने पतला कर दिया। अब इसको फिलिंग को भर दिया और फोल्ड कर लिया। इसको देसी घी में सेक लिया और देसी बनेगा और दही के साथ खाइए। आप जिसकी सब्जी आप चाहो सब्जी के साथ भी खाइए, या फिर आप चाहिए तो अचार के साथ खाइए, साथ भी खा सकते हैं बच्चे को। तो इस तरीके से ये काफ़ी टेस्टी लगता है। सुबह सुबह कुछ समझ नहीं आए तो ये सबसे बढ़िया तरीका है, मुझे तो नहीं कुछ समझ आता है, सबसे बढ़िया है प्याज के पराठे बना लो। तो इस तरीके से आप लोग बना के और इंजॉय कर सकते हैं। तो आज मैंने सुबह यही बनाया है प्याज का पराठा। इसके बाद आज बहुत काफ़ी काम सोच रखा है दिन का, देखते हैं क्या क्या होता है, काम तो कमी नहीं होता। तो अभी मैं पराठे बना लेती हूँ, खा लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ।
कोई पराठा तो खूब मस्त बना है, सबने खूब इंजॉय किया। और इसके बाद हम लोग सब सफाई में लग गए, क्योंकि आज मैंने सारे बिजली के जितने घर के बोर्ड थे और घर की जो खिड़कियां हैं और दरवाजे हैं वो सब मैंने पोंछ दिए, क्योंकि मुझे पर्दे लगाने थे। और पर्दों में जो धोया था, प्रेस होके आ गया था, तो उसमें रिंग्स भी लगानी थी, तो उसमें सब में मैंने रिंग्स लगाई। और रिंग्स लगा के ये सारे खिड़की दरवाजे सब साफ़ कर लिए करके, और पर्दे आज आधे टांग दिए हैं। एक दो जगह अभी बचा है थोड़ा सा, पता नहीं क्यों क्या हुआ कि कुछ पर्दे थोड़े सिकुड़ रहे हैं उनमें जो कॉम्बिनेशन में है, और कुछ छोटा बड़ा जैसा दिख रहा है, क्यों दिख रहा है वह समझ नहीं आया अभी, तो उसको थोड़ा ठीक करूँगी, ठीक करके फिर उसको टांगूँगी। इसलिए आधे हमने टांग दिए हैं और आधे अभी, आधे से कम ही अभी बाकी है। ये देखिए मैं यहाँ पर रिंग्स लगा रही हूँ, सब लोग बैठ के, हमने कहा सब लोग मदद करो, चलो फटाफट लगवाओ तो सब मिलके रिंग्स लगाए, रिंग्स लगा के फिर इसके बाद सब उन लोगों ने टांग दिया। और टाइम तक काफ़ी काम हो गया, शाम को डिनर की जो डिनर में जो वो कह रहे हैं पास्ता बनाने को, तो अभी चल रही हूँ पास्ता बनाने। आज दीबू की डिमांड है पास्ता बनाने, तो मैं पास्ता बना रही हूँ, इसकी रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि पास्ता तो सभी आजकल बनाते ही बनाते हैं। तो आपको दिखा देती हूँ, मेरी लगभग 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 कंप्लीट होने जा रहा है। तो अभी मैं पास्ता बना रही हूँ डिनर में। आज मैं पटाखे ले आई बच्चों के, और पर्दे जो सब निकाल रखे थे धो के प्रेस करके, वो सब आज सारा कंप्लीट कर दिया, आधे लगा दिए हैं, आधे अब सुबह लगाऊंगी। आज पास्ता दिखाती हूँ, बस आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, आप लोगों को दिखा दूँ पहले। ये देखिए पास्ता उबाल दिया है, इधर कढ़ाई में मसाला पूरी तरह से बन चुका है, अब बस पास्ता मिला दूँ। ये देखिए पास्ता तैयार है, बस मिला दूँ इसको, एकदम बढ़िया चीजी पास्ता, टोमेटो पास्ता है प्लस चीज। तो ये पिंक पास्ता की रेसिपी आप अब किसी दिन अगर आप लोग बोलोगे तो जरूर शेयर करूंगी। देखिए एकदम बढ़िया क्रीमी, देखिए कितना बढ़िया पास्ता बना है। तो बस आज की रेसिपी, रात की रेसिपी यही है, तो यही आज सब खाने वाले हैं। आज का ब्लॉग यहीं तक ख़त्म करती हूँ, कल फिर मिलूँगी नेक्स्ट नए फ्रेश ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।